दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौर टेक्निकल के साथ। मैं हूं शिव। आज हम बात करने वाले हैं चैत नवरात्रि के संबंध में। चैत नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। रावण की शक्तियों के बारे में सभी देवी देवताओं को पता था। जब सीता माता को लंका से लाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध करने चले तो देवी देवताओं ने कहा कि माँ शक्ति की पूजा उपासना कर उनका आशीर्वाद लेने की सलाह दी। अरे भगवान श्री राम ने ऐसा ही किया। माँ चंडी को प्रसन्न करने के लिए 108 नील कमलों की पुष्पों की व्यवस्था करी और माँ चंडी की पूजा शुरू की। उधर जब रावण को ये बात पता चली कि श्री रामचंद्र जी युद्ध जीतने के लिए माँ चंडी की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो रावण ने भी अपने राज्य में माँ चंडी की पूजा करना शुरू कर दिया। रावण अपनी हार नहीं चाहता था, इसीलिए उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी के 108 नील कमलों में से एक पुष्प चुरा लिया और पूजा करना शुरू कर दिया। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को ये बात पता चली कि उनके 108 पुष्पों में से एक पुष्प कम है तो उन्होंने मां चंडी को अपनी आंख समर्पित करने के लिए सोच लिया। इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को कमल नयन नव कंजन लोचन भी कहा जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी तीर से अपनी आंखें निकालने लगे तो माँ शक्ति प्रकट हो गई और उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। शिव और रावण भी जोर लगाकर चंडी माँ का पाठ कर रहा था, तभी हनुमान जी बालक का रूप रखकर पूजा स्थान पर पहुँच गए। रावण पूजा स्थान पर जया देवी भूतहरणी श्लोक का पाठ कर रहा था, तभी हनुमान जी बालक का रूप बन के आए और उन्होंने हरणी की जगह करनी करवा दिया, जिससे कि माँ चंडी बहुत ज़्यादा कुपित हो गई और रावण को श्राप दे दिया। दरअसल हरणी का मतलब होता है हरने वाली और करनी का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली। इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र ने लंका पर विजय प्राप्त करी और रावण को परास्त कर दिया। इसलिए इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए बनाया जाता है और नवरात्र के आखिरी दिन रामनवमी भी मनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह मैं यूजफुल कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।